धनबाद के सरायढेला स्थित स्टील गेट रेखा मंडल मार्केट में द एकेडमिक चैंपियंस कोचिंग सेंटर का शुभारंभ कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर धीरज सर की माँ ने विधिवत फीता काटकर किया। इस मौके पर आजसू नेता हीरालाल महतो ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। इस मौके पर आजसू नेता हीरालाल महतो द एकेडमिक चैंपियन कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर धीरज महतो की जमकर तारीफ की और उनके नए कोचिंग सेंटर को लेकर शुभकामनाएं दी। वहीं कोचिंग सेंटर के शिक्षक सर डायरेक्टर धीरज महतो ने कहा कि हमारे यहां मैथ साइंस फिजिक्स की पढ़ाई के साथ ही सैनिक नेतरहाट नवोदय विद्यालय में बच्चों का दाखिला नहीं हो पाता है। इसका मुख्य कारण है कि बच्चों को एग्जाम के पैटर्न समझ नहीं आते हैं और उनका सपना सपना ही रह जाता है। वैसे बच्चों को हम यहाँ तैयारी करवाएंगे, साथ ही बीएससी फिजिक्स ऑनर जेनरिक पेपर और पॉलिटेक्निक की तैयारी भी करवाते हैं। वहीं आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर धीरज सर की माता पिता आजसू नेता हीरालाल महतो समेत छात्र छात्राएं मौजूद रहे, जिसमें कि मैथ और साइंस कम्प्लीटली यहाँ पर होगी और फिजिक्स 11 12 की, और साथ ही साथ में मैंने यह नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जैसे सैनिक नेतरहाट नवोदय विद्यालय। बहुत सारे हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, जो शहरी बच्चे हों चाहे ग्रामीण बच्चे हो, इनको नेतरहाट जो एडमिशन होते हैं उसके एग्ज़ाम का पैटर्न नहीं समझ पाते, जिसके कारण वो अपना दाखिला नहीं ले पाते हैं और उनका सपना सपना ही रह जाता है। और ये साथ साथ प्रिपरेशन कराने के साथ ही हमने बीएससी फिजिक्स ऑनर्स और जेनरिक पेपर दोनों ही स्टार्ट करने का संकल्प लिया। और साथ ही साथ जिस तरह से मैंने अपने बच्चों को पॉलिटेक्निक में क्वालिफाइड होते हुए देखा, उस हिसाब से मैंने देखा नहीं, यहाँ के बच्चों को पॉलिटेक्निक के लिए भी मैं अच्छे से प्रिपेयर करके भेजूँगा और साथ ही साथ मैं नेट या जेई ये सब की भी एक अच्छी कोचिंग मार्गदर्शन और साथ ही साथ यहाँ से भी प्रिपरेशन टेस्ट सीरीज के साथ सारा चीज कम्प्लीट किया जाएगा। हम एक्चुअली यहाँ देख रहे हैं बच्चों को कि आखिर क्या चाहिए, किस टाइप के उसको पढ़ाई चाहिए, क्या सीरियसली पढ़ाई चाहिए, फ्रेंडली पढ़ाई चाहिए, एक बड़े भाई के रूप में पढ़ाई चाहिए। तो ये सब देखते हुए मैंने संकल्प लिया कि बच्चों को मैं दोस्तों के जैसा ही पढ़ाऊंगा और साथ ही साथ मैं उसका मार्गदर्शक बनूंगा, बड़े भाई की तरह फैमिली की तरह बनूंगा। इस हिसाब से इस तरह से बच्चे हमारे पास आ रहे हैं। हाँ जरूर ऑफर्स है, पूजा ऑफर्स में जरूर उसके लिए कुछ मेरिट्स स्कॉलरशिप होगी, जो एक्चुअली में इंटरेस्टेड है, जो हमारे साथ लगेंगे और आगे करने की चाह रखेंगे तो जरूर उनका स्कॉलरशिप मिलेगी। खुद पढ़ाई करके बच्चों को शिक्षा दे क्या करना चाहेंगे? देखिए एक हम लोग इसको छोटा सा भाई है मेरा और हमेशा सपोर्ट किए हैं इसको और शुरू से इसका हम मेहनत और लगन को देखे हैं और हमेशा से जो लड़का लोग गांव से ये लोग स्टडी पॉइंट के नाम से चालू किए थे और वहाँ से उसका भी उद्घाटन हम ही किए थे और उस समय भी जितना लोग को वहाँ पढ़ाया सारे लोग टॉप आज कोई पॉलिटेक्निक के क्षेत्र में अपना नाम कमा रहे हैं, कोई अच्छा टेंथ में देखिए ट्वेल्थ में देखिए सारा लोग का अच्छा रिजल्ट हुआ। तो जिस तरह से हम अपने छोटे भाई धीरज को देखते हैं, ये पक्का एक कुम्हार जैसे वो एक सांचा तैयार करके हंडी को खूबसूरत बनाता है ना, उस तरह ये काम कर रहा। लोहार एक लोहा को ठोंक के अच्छा कढ़ाई बनाता है, बर्तन बनाता है, जिसको हम लोग देखते हैं कि एक अच्छा उसको एक खराब चीज़ को एक अच्छा बनाने का काम करता है। उसी तरह जो स्टूडेंट लोग हैं काफ़ी अच्छे सांचा में ये ढालने का काम कर रहे हैं और स्टूडेंट काफ़ी अच्छे पढ़ रहे हैं और इनका सपोर्टिव देखते हैं कि इनके दोस्त क्षेत्र में जो पढ़ाई का क्षेत्र है आज सबसे ज़्यादा देखिएगा बहुत महंगाई है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट सिर्फ पैसे लेते हैं लेकिन वो फोकस नहीं कर पाते कि बच्चा कैसे आ गया है, लेकिन हम देख रहे हैं कि छोटा भाई धीरज जो अपना संघर्ष करके आया है वो आज हम लोग देखते हैं कि स्टूडेंट का रिजल्ट बता रहा है वो कि उनका मेहनत कैसे काम आ रहा है, वो कैसे बच्चे लोग को पढ़ा रहे हैं तो रिजल्ट दे रहे हैं। हम लोग ऑनर देख रहे हैं कि क्या टैलेंटेड है लड़के में देख रहे हैं तो हम लोग शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि छोटा भाई जो इस क्षेत्र में अपना आगे बढ़े और ये इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा चलेगा और गरीब लोग बच्चों लोग के ये चीप एंड बेस्ट रेट में स्टूडेंट का फीस लेते हैं और हम बधाई और शुभकामना देते हैं कि और आगे बढ़े मेरा छोटा भाई और अच्छे से पढ़ाई करे और अच्छे अच्छे लड़के लोग को यहाँ से रिजल्ट दे। देखिए ये एक एकदम बोलिएगा तो मध्यम वर्ग परिवार से आते हैं ये धीरज, खुद का पढ़ाई हम इसको बहुत निचले स्तर से देखे हैं और लोगों देखिए जो भटक रहे हैं युवा
तो वही तो संदेश देने के लिए इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, आज पढ़ाना चाहते हैं, आज लोग को पढ़ाई के क्षेत्र में कम, आज देखिए रील्स बनाने के क्षेत्र में ज़्यादा जा रहे हैं, तो वो एक हम लोग इस क्षेत्र से संदेश भी देना चाहते हैं। इस आज आए हैं यहाँ, बुलाए हैं यहाँ, बराबर हम उनको सपोर्ट करते हैं, तो लोग आज समझें कि ये लड़का जो आया है और पढ़ा रहा है अपने मेहनत से, अपने ट्यूशन पढ़ा, खुद अपने पढ़ाई तैयारी किया, बीएड किया, पीजी किया, सारा लोग अच्छा रैंक से आया और यूनिवर्सिटी में टॉप किया फिजिक्स में, तो ये बताता है इसका हुनर कि ये लड़का आगे क्या कर सकता है, तो ये कर रहा है आगे, हम लोग हमेशा इसको सपोर्ट करेंगे। और जो लोग मोबाइल से ग्रस्त हैं, वैसे लोग का मानसिक आज के देख रहे कि मोबाइल काफ़ी बच्चों को, युवाओं को, छोटे छोटे बच्चों को आज तक मानसिक तनाव के तौर और ले जा रहा है, किसी का बच्चा का आँख कमज़ोर हो रहा है, तो ये हम एक आपके माध्यम से भी संदेश देना चाहेंगे, बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और पढ़ाई के क्षेत्र में वो बच्चों को लाएं, या फिर खेल के क्षेत्र में भी ला सकते हैं, वो खेल के क्षेत्र में अभी एक नारा भी चल रहा है, मोबाइल छोड़ो मैदान की ओर दौड़ो, ये हम एक आपके माध्यम से संदेश भी देना चाहते हैं। और एक आपको संदेश देना चाहते हैं स्लोगन के साथ में कि मोबाइल छोड़ो और फिर पढ़ाई की ओर भी बढ़ो। हीरालाल महतो आज सुने था सभी जो एकेडमिक ये हमारे बड़े सीनियर हैं धीरज सर, तो ये हमारे सीनियर थे, मैं इनका जूनियर हूँ, तो पीके रॉय में मतलब इनसे मेरी मुलाकात हुई थी स्टडी के दौरान, तो बहुत अच्छे हैं, कर्मशील हैं, और पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में इस तरह का उन्नति होना बहुत ज़रूरी भी है, और इस तरह से गरीब तबके को लोग को आगे ऊपर लेके आना ये भी एक पुण्य का काम है। और मैं समझता हूँ कि छोटे से लोगों को अगर बड़े जगह तक पहुँचाना अगर कोई रास्ता में काम कर रहे हैं तो मुझे लगता है बहुत बढ़िया काम है, तो सपोर्ट ज़रूरी है, सभी को सपोर्ट करें। मैं अभी करेंटली मैं IIT पटना में हूँ, मैं वहाँ से मास्टर्स कर रहा हूँ, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि टीचर्स सभी अच्छे होते हैं, आप टीचर्स के गाइडेंस के थ्रू जुड़े रहिए और अपना स्टेप को आगे जाइए लेकर। ऑफकोर्स देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि उनको एक गाइडलाइन की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, अगर वो गलत ट्रैक पे जाएंगे, जैसे एजुकेशन के फील्ड में क्या होता है ना, सबसे बड़ा बात होता है उनको आउटलाइन लेना, अगर वो आउटलाइन पे सही से काम नहीं कर पाएंगे तो वो कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो मेहनत करने के लिए सही आउटलाइन की ज़रूरत जो है वो कोई भी माध्यम हो सकता है, तो आप एक सही माध्यम को पकड़िए और उस पर फुल प्रूफ काम कीजिए। 11th 12th के बच्चों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपने सब्जेक्ट अप्रोच को ज़्यादा पढ़ाइए आगे, और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जो भी आपके पास फैकल्टीज़ हैं, जो भी इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके पास आप जाइए और सॉल्यूशन लेकर के आप आगे बढ़िए, क्योंकि 11th 12th एक ऐसा फेज़ होता है जहाँ से उनका एक नया मोड़ शुरू होता है, वो एक नया बिगिनिंग है लाइफ का, तो आप वहाँ से IIT के अंदर अगर आ जाते हैं तो आपकी लाइफ जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, जितना आप मेहनत यहाँ कर रहे हो उससे डबल मेहनत आपको वहाँ भी करना है, लेकिन यही है कि आप वहाँ कुछ करोगे तो आपको कुछ मिलेगा, आपका लाइफ काफ़ी सिक्योर हो, तो मैं कहूँगा कि आप कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई कीजिए, सही गाइडेंस के साथ काम कीजिए, और प्रॉपर एक जो बोला जाता है टाइम शेड्यूल, उसको फॉलो कीजिए आप।